जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों, मैं योगेश मिश्रा आप सभी का दैनिक रोजगार समाचार प्लस अमर उजाला की महत्वपूर्ण खबरों में हार्दिक स्वागत करता हूं, जिसमें हम यूपी टीजीटी पीजीटी 27,000 नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन एलटी ग्रेड के अभ्यर्थियों के लिए आ रही दो बड़ी खुशखबरी, साथ ही एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती पर आ रही बड़ी अपडेट की बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, यहां पर आप देख सकते हैं अध्यापक भर्ती के लिए उबाल, बारिश में सड़क पर उतरे प्रतियोगी छात्र, भाजपा सांसद और कार्यालय को भी घेरा गया है, ये बात हो रही है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर देख सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी करने के लिए भाजपा कार्यालय पर प्रदर्शन करते छात्र। इसके अलावा कल की डेट में जूनियर हाईस्कूल शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का पीएनपी पर भी प्रदर्शन देखने को मिला है, और जिसमें अभ्यर्थियों का आरोप है कि परिणाम जारी होने के बाद भी प्रक्रिया में हो रही है देरी, और यहां पर पीएनपी ने अभी तक परिणाम की हार्ड कॉपी नहीं भेजी है शिक्षा निदेशालय को। इस प्रकार से यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि चयन बोर्ड सचिव से मिले युवा मंच के कार्यकर्ता, और यहाँ पर देख सकते हैं कि युवा मंच कार्यकर्ता शुक्रवार को टीजीटी पीजीटी के 27,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर चयन बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक नवल किशोर से मिले प्रतिनिधिमंडल ने 22,000 तदर्थ शिक्षकों के पद को प्रस्तावित विज्ञापन में शामिल करने की मांग को लेकर भी ज्ञापन सौंपा है, और इसको लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आगे दी जा चुकी है जिसकी अभी हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले देख सकते हैं कि यूपी टीटी सूबे में 2532 केंद्रों पर होगी प्राथमिक स्तर की परीक्षा। इसके अलावा जिले में 34 केंद्रों पर कल होगी सीएचएसएल 2020 टीयर 2 की परीक्षा। इसके बाद बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 17 शिक्षकों की प्रोन्नति, 13 की नियुक्ति को स्वीकृति भी दी जा चुकी है, ये बात हो रही है लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि दरोगा भर्ती का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक, 2167 अभ्यर्थियों को मिलेगी नौकरी, ये बात हो रही है यूपी एसआई भर्ती 2016 की। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि चयन बोर्ड से बहुत ही बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है, और ये संबंधित है प्रधानाचार्य भर्ती 2013 से आवेदन पत्र सत्यापित न कर पाने पर कोर्ट जाने की भी तैयारी शुरू की गई है, और यहाँ पर चयन बोर्ड की वेबसाइट में काफी ज्यादा समस्याएं भी देखने को मिल रही थी, जिसके चलते यहाँ पर कल की डेट में व्हाट्सएप के जरिए फॉर्म जो है फिलअप किए जा रहे थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत ही बाधा सामने निकल कर आ रही है अभ्यर्थियों के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी जा चुकी है टीजीटी पीजीटी नई भर्ती विज्ञापन 2022 के लिए। यहाँ पर कहा गया है कि 15 जनवरी तक जारी हो सकता है टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन, 22,000 पदों पर भी विज्ञापन जारी करने की मांग की गई है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर जो है ये भी पद जुड़ जाते हैं तो यहाँ से विज्ञापन कहीं ना कहीं 27,000 पदों पर जारी किया जा सकता है, और अभी बात करें तो मात्र 7,000 पदों पर ही विज्ञापन जारी करने की कवायद शुरू है, और जिसमें टीजीटी पीजीटी के तो महज 5,000 ही पद हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इस हिसाब से यहां पर जानकारी दी गई है, और यहां पर अगर हम बात करें तो कहा गया है कि 15 जनवरी के पहले पहले, तो इसका मतलब कि आपका जो विज्ञापन है ये अगले सप्ताह जारी हो सकता है, और ये डायरेक्टली चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर जी के द्वारा कहा गया है, और जो कि आपने वीडियो में भी इनका पूरा बयान सुना होगा। नेक्स्ट यहां पर देख सकते हैं कि फाइल मंगाकर शिक्षा निदेशक ने जारी कर दिया पद स्थापन, तो ये एलटी ग्रेड के अध्यापकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, और एलटी ग्रेड के अभ्यर्थियों के लिए भी बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। देख सकते हैं कि एलटी ग्रेड में 794 पद और भी खाली हो गए हैं, तो अगर यहां से यूपीपीएससी और शिक्षा निदेशालय चाहे तो इन पदों को भी एलटी ग्रेड नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन में मर्ज कर सकती है, और ये जो है बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, पहली बात तो एलटी ग्रेड के अध्यापकों के लिए, और दूसरी बात एलटी ग्रेड के अभ्यर्थियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। नेक्स्ट यहां पर देख सकते हैं कि यूपी पुलिस की तरफ से 27,000 नई भर्ती विज्ञापन को लेकर कल एक बार फिर से नोटिस जारी की गई है, और जो है इसके पहले जो है लगातार 3 नई भर्तियों का विज्ञापन भी जारी किया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा, और यहां पर जो है कल की डेट में फिर से लगभग 27,000 पदों पर नए विज्ञापन की तैयारी शुरू हो गई है, और जिसका विज्ञापन भी इसी महीने आप सभी को देखने को मिलेगा 27 तारीख के बाद। तो साथियों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले। थैंक यू सो मच।